याद है? कंफर्म? गलती हुआ तो पीट देंगे। पर्दा हटा, हाय हटाने का। गर्मी लग रहा है? हटाइए ना। फोर्टी थ्री ना कंफर्म है? हमको डाउट है रे। हाँ सब ठीक है। ठीक है। वाइस चल रहा है ना? ठीक, दो बुक दो। इसी क्वेश्चन में थे ना कल, आई एट फोर मैंगोज, बनेगा? तुमको कहाँ बताए थे? कहाँ बताए थे? किसी एक को बताए थे, कोई पूछा था तो बता दिए थे, तुम पूछ भी नहीं किया था, बताया कहाँ था? अच्छा देखो बताते हैं, ये तुम्हारा क्या भाई? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। वर्ब का क्या मतलब? दूसरा ये क्या है? सर ये अकेला कुछ नहीं, सब एक के है। अच्छा ना, फोर मैंगोज सब ना हो गया, चार आम, तो चार ऑब्जेक्ट हुआ कि आम ऑब्जेक्ट हुआ? चार आम ऑब्जेक्ट हो गया। चार अकेला छोड़ देंगे तो फिर वैल्यू नहीं रह गया वहां पे, समझा गया ना? तो चार आम का बात हो, चारों आम ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, वो अलग अलग मत समझना। चलो फोर मैंगोज ऑब्जेक्ट हो गया, काम खत्म, ऑब्जेक्ट दिख गया, समझ में आ गया। उठा के कहां लाएंगे? शुरू में, तो फोर मैंगोज, क्लियर है? ठीक, उसके बाद अब क्या है वर्ब का दूसरा? बीमारी, याद करो, अगर किसी को V2 बीमारी रहेगा तो कौन सा दवाई देंगे? हाँ, या तो वाज दे दो या क्या दे दो, वेर, दोनों में से एक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वाज और वेर का अपना कॉन्सेप्ट है कि नहीं? वाज किसके साथ जाएगा? एक के साथ। वेर किसके साथ जाएगा? एक से। ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो फोर मैंगोज है, एस लगा रहना मैंगोज है, चार शुरू में लिखल है, चार देखे तो एक प्लस हो गया कि नहीं, एक से ज्यादा, तो क्या लगाएंगे? वाज की वेर, बस चिपका दो। अब जब ये V2 का वाज होता है उसका, ये तो बीमारी था ना, ये क्या था आपको? बीमारी। ये क्या था? दवाई। पानी भी तो देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? पानी। भर का क्या मां? तीसरा। उठा दो, तो किसका तीसरा चाहिए? ऐड का कि इट का? तो ऐड का तीसरा लीजिए या इट का तीसरा लीजिए, सेवन होगा तो क्या हो जाएगा? इट एड, खत्म। फोर मैंगोज वेर ईटन, ठीक। अब क्या लिखना? आई है ना, आई को तो उधर लिख सकते हैं। बाई चांस सोचो जरा, मान लो कभी आई का भी बाई मी नहीं लिखा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर नहीं लिखा रहा है तो ये मत सोचना सर यहां तक तो आंसर मिल रहा था, लेकिन होना चाहिए बाई मी, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं था, घबराने की जरूरत। तीन ऑप्शन देख लेना, अगर गलती है तो जो चौथा बच गया, चाहे उसमें बाई मी लिखल है या नहीं लिखल है, फिर भी आंसर होगा। खत्म, छाप लो। और कौन कौन पॉइंट बता दिए? अच्छा, एक पेज में लिखते चलना भी ट्रिक वगैरह हम मेंशन कर देते हैं, लिखेगा ना ट्रिक? जैसे एक पेज अभी वहीं पर एक पेज साथ रखो, ठीक है, इसमें सिर्फ पॉइंट एक ही जगह कर लेना कलेक्शन। ये दवाई, दवाई ना मेन है, दवाई याद है तो वो क्वेश्चन बनेगा, और दवाई नहीं याद है, बनाने तो आ गया तुमको, इधर का चीज उधर, उधर का चीज इधर, ऑब्जेक्ट इधर, सब्जेक्ट उधर, आई उधर चल जाएगा बाय मी, लेकिन ये दवाई लगाना पड़ेगा ना, उसके लिए याद रखना पड़ेगा ना, V2 रहेगा तो वाजिब है। बस देखो, तो पहला कौन बताया था, याद है? V1 या V5, इसका क्या होता है? इज एम
और आर, प्लस भी त्रि सब में होगा तो उतना लिखने का जो वो तो याद है ना। दूसरा याद है वी फोर क्या होता है वी, अगर इज अमार के साथ है तो इज अमार के साथ ही रहेगा, अब वाजवेर के साथ है तो हो गया। तीसरा हैज या हैव, साथ में हैड भी रहे तो यही बात होगा, क्या लगता है बीन। तीन पॉइंट क्लियर ना। चौथा या अभी जस्ट दिए बी टू वाला, बी टू रहेगा तो क्या होगा वाज या इचार को याद हो गया होगा आई थिंक, नोट कर लो पहले, एक पेज छोड़ देना ऊपर में लिख देना वॉइस टैबलेट, क्या लिख देगा हेडलाइंस में वॉइस टैबलेट, बस फिर पूरा वॉइस टैबलेट खत्म हो जाएगा, उसको उदारना वहां से और रूम में कहीं जाकर के गोसाई घर में चिपका देना, ठीक ना, बेडरूम में मत चिपका लेना, पढ़ना पड़ेगा, गोसाई घर में रहेगा तो भगवान का याद आएगा, तब ये ना वॉइस टैबलेट का याद आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड हिम, जब लिखते जाएंगे अगला लिखते चल जाना अपना, जब जो ठीक बताएंगे, कलेक्शन तुम्हारा हो गया के साथ। तब लिया बना इसको, द पुलिस अरेस्टेड हिम, देखे देखो द पुलिस क्या हो गया तुमको सब्जेक्ट, अरेस्टेड क्या हो गया तुमको क्या मां, दूसरा हिम क्या हो गया तुमको, जब ये ऑब्जेक्ट दिख गया काम खत्म। अच्छा हिम जब इधर आएगा तो हिम में रह जाएगा क्या, नहीं हिम रहता है क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। और ऑप्शन में मान लो हिम में रख दिया है तो देखते ही समझ में आ गया, मान लो हिम को खींच के लाया हिम में रख दिया तो ऑप्शन गलती, मतलब एक वर्ड देखे समझ में आ गया कि ऑप्शन ए क्या है गलती है, तो ध्यान रखेंगे। चलो ही उसका भर का क्या मा है देखो, दूसरा का क्या दवाई है वाज या बस, क्वेश्चन यही से बन जाता है, तो ही के साथ वाज की वेयर वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, वेयर कहाँ छे ही के साथ वाज है ना, देखो महिला के ध्यान से सुनाई दे नहीं आ जाओ, ही वाज ना उसका भर का क्या मा, ये सब के बाद वर्ब का क्या मां तीसरा, लिखने का जरूरत नहीं है एकदम शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो तीसरा तो अरेस्टेड का है कि लास्ट में डी या ईडी लगता है तो वो दूसरा और तीसरा दोनों होता है ना, तो बस सेम छप जाएगा अरेस्टेड, उसके बाद द पुलिस है ना तो बाय द पुलिस लिख के फुल स्टॉप का है, हाँ समवन बोले थे पॉइंट याद है कि नहीं, नहीं याद है याद करवाएंगे,
मेरा काम है, समवन और बोलते चलो, समबडी और एवरीवन, एवरीवन और एवरीबॉडी, यही ना, और बोलो एनीवन और एनीबॉडी, और बोलो और कौन है, समवन समबडी एवरीवन एवरीबॉडी एनीवन एनीबॉडी, हाँ और कौन, डॉक्टर, डॉक्टर और पुलिस, चोर, अरे चोर रहता है, हाँ जैसे अब चोरी किया है तो कौन किया होगा, चोर है ना, हाँ और बोलो कौन जी, प्यून, टीचर, हम छुटले चले गए और स्टंटो, क्लास में पिटाई खाया है तो कौन खाया होगा, बच्चे ना, कॉमन सेंस समझ में आ रहा ना, और बोलो डॉक्टर, पुलिस, प्यून, टीचर, पीपल और कुछ यार, छोरे एटीसी, एटीसी देखो ये सब ऐसा वर्ड है, इसको पैसिव में बाई के साथ नहीं लिखते हैं, एक्टिव में लिखा रहेगा, एक्टिव में, जैसे देखो पुलिस है ना यहाँ पे, पुलिस यहाँ पे एक्टिव में लिखा, लेकिन देखो ये तुम्हारा कौन सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस, शॉर्टकट बोलेंगे ए भी, क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा कौन सा है, पैसिव वॉइस, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, पी भी, पैसिव वॉइस, ए भी, एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा तुमको, ये सब चीज लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन कह रहा है जो एक्टिव में लिखा रहेगा इसको पैसिव में बाय के साथ नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, या लिखते ही नहीं है, दोनों बात समझ लो, लिखा रहा है तो गलती नहीं है, नहीं तो लिखना ही नहीं है, तो द पुलिस को लिखे कि नहीं लिखे, तो इसको लिख सकते हैं नोट करके, ये नोट हो गया हमारा, क्या हो गया, नोट, समवन समबडी एवरीवन एवरीबॉडी एनीवन एनीबॉडी, डॉक्टर, पुलिस, प्यून, टीचर, पीपल, सबको पैसिव में बाय के साथ नहीं लिखते हैं, कैसे भी याद हो ही जाना चाहिए, याद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो याद करो, क्या दिक्कत है, इटीसी को पैसिव में नहीं लिखते हैं, को पैसिव में नहीं लिखते हैं, पैसिव में नहीं लिखते हैं, इसको भी इसमें घुसा था ना, लिखेगा तो नोटे में घुसा था ना, ये सब पूरा टैबलेट में चल गया ना, एग्जाम्पल आता है टैबलेट में चला गया, उसी में अच्छा लिख लो, लेकिन एक पूरा टैबलेट बना के अच्छे साफ सुथरा से उसको क्या करना है, चिपका लेना है, हिम उधर जाता है तो क्या हो जाता है, ही उभे को नोटे हो गया ना, उसका भी तो जरूरत पड़ता है ना, क्या क्या हो जाता है, ही जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, हिम, तो ये होता है सब्जेक्ट, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ये ना होता है, चलो उसके बाद सी का क्या हो जाता है, हर, दे का क्या होता है, देव, हर कौन है, यू का क्या होता है, यू, और आई का क्या होता है, मी, हो गया, हाँ एक बार है, वी का क्या होता है, मतलब इतना पॉइंट याद रहेगा, ये टैबलेट याद रहेगा तो क्वेश्चन बनने लगता है, किसका, इट का, इट होगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको भाई, इसमें ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड में सब सब्जेक्ट है और इस साइड में सब ऑब्जेक्ट है, इसका हिंदी एक होगा, जो हिंदी ही का होगा वह हिंदी हिम का भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बस पोजीशन बदल गया इसलिए ही ऐसा दिखता है, सी अगर इधर चला गया तो ऐसा दिखेगा, तो ध्यान रखेंगे, ये सब किसके साथ आएगा, तो पैसी में कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, पैसी में अगर कोई पूछ देगा तो बाई का, कितना परसेंट, 99 का ना, बस 1% दो चार को अलग अलग आता है, रेयर केस में है, उसका एग्जाम्पल होगा बताएंगे, एक पॉइंट वो भी लिख सकता है, एक पॉइंट थोड़ा ये हो गया नोट, नोट सब एक जगह कर ही लो, दो को नोट हुआ, ये नोट आर करो, तीसरा नोट, पैसिव में बाय का यूज करते हैं, यही ना हो जाएगा, पैसिव में
पैसिव में ऑब्जेक्ट को बाय के साथ लिखते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, पैसिव में ऑब्जेक्ट को बाय के साथ लिखते हैं। तो देखो सब किसके साथ आएगा, बाय के साथ। तो अपना कॉन्सेप्ट बनाओ ताकि हमेशा के लिए याद रहे। ठीक, क्या था नोट? पैसिव में ऑब्जेक्ट को बाय के साथ लिखते हैं। ठीक, आ जाओ, एक क्वेश्चन बन गया ना, एक क्वेश्चन आ गया। समोन स्टॉल माय पेन, नहीं बताए थे, नहीं बताएंगे। समोन स्टॉल माय पेन, समोन स्टॉल माय पेन बना लो। एगो नो वन वाला क्वेश्चन बताए थे क्या कल, शुरू में नो वन था, मैं तो छोड़ दिया होंगे। हुआ, देखें, तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या हो गया वर्ब, क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या हो गया वर्ब, क्या मां दूसरा स्टील स्टोल स्टोलिन, स्टील का मतलब चुराना होता है, उसका भी टू है, चुरा लिया किसी ने मेरा कलम चुरा लिया, इसका हिंदी होगा। तो माय पेन को सुरा उठा के कहां लाएंगे, शुरू में ना, माय पेन भी टू है ना, क्या आएगा, बस हो गया, माय पेन वाज स्टॉल का तीसरा स्टॉलिन, माय पेन वाज स्टॉलिन, भाई सब लिखे कि छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दागे चलो। तुम्हारा द पियोन ओपन द गेट, opened the gate, the peon opened the gate, V2 है, एक बार लिखते हैं, he wrote the letters, ऊपर हो गया ना, एक और ऊपर देखते हैं, सी बी टी यू, तीन बीट है, बी टू है, बेट बना, तीनों बने, इनका क्या दिक्कत है, बोला हेल्प करेंगे, जिसको तीनों में दिक्कत है, कहां दिक्कत है पूछो, हेल्प करेंगे, पूछेगा तब ना।
रिवार्ड लिखते हैं, नो वन ओपेंड द डोर, नो वन ओपेंड द डोर, चार हुआ। हो गया सुनो, ठीक देखो बनाते हैं। पहले कौन लिखे थे, ये लिखे थे ना, ये लिखे थे, ये बनाते हैं। द प्यून, द प्यून क्या हो गया तुमको सब्जेक्ट, द गेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट, द गेट को लाओ, द गेट देख लो ये भर्ब का क्या है, बस ये देख लेना है एग्जाम हॉल में, इन्हें कि पाला रहा है रहा ही वाला ऑप्शन लगा नहीं बता आए समझना, हाँ देखना पड़ेगा। आ जाओ, जैसे मान लो यही चारों ऑप्शन है ठीक, और क्वेश्चन में तुमको ये वी वन वी फाइव निकल है, तो क्या ये आंसर होगा, तीनों ऑटोमेटिक कट गया, बस इतना याद है कि वी वन वी फाइव का ई जमार वाला होगा, जब इतना याद है तो क्या बीन होगा, है बीन होगा, बस द गेट वी टू है ना, वाज ओपन का तीसरा ओपन, द प्यून लिखे कि छोड़ दे, छोड़ दो, ये था उसके बाद ये बात बराबर है, ही रोट द लेटर्स, और कुछ था क्या, और कुछ था, ब्यूटीफुल्ली था लास्ट में, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, था शायद कोई दिक्कत नहीं है, बने वैसे ही, लेकिन प्रॉब्लम देखो क्या है, तो इसको ऑब्जेक्ट मत मान लेना, ये अदर वर्ड्स है, तुमको ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर्स, हेलो द लेटर्स ठीक। अब देखो रोट है ना, रोट वर्ब का दूसरा होता है राइट, रोट रिटेन, तो रोट है दूसरा, वाज वेयर, अब वाज की वेयर, वही तो कंफ्यूजन है, वाज की वेयर, तो देखो ना लेटर्स है भाई, लेटर्स मतलब एक वो की एक से ज्यादा, एक से ज्यादा ना, तो वेयर, अब रोट का तीसरा रिटेन, उसके बाद बाय हिम हो गया ठीक, तो यहां भी है सी वेट यू, दूसरा है ये यू का लाउ उठा करके तो क्या आ जाएगा यू, यू अच्छा वेट दूसरा है तो वाज वेयर ना, तो यू के साथ वो आज की वेयर हो गया, उस बात याद होना चाहिए भाई, वेयर वेट का तीसरा बीटेन, बीट वेट बीटेन होता है, आ जाओ सी को कैसे लिखेंगे भाई, हर खत्म, एक बार यहाँ पे नो वन ओपन द डोर बनाया है, बनाया है, देखो द डोर को लाएंगे उठा करके, द डोर वाज ओपन ना, और ये नो वन को छोड़ दिया होगा, इस कॉन्सेप्ट में देखो नो वन कहीं निकल है नहीं, तुम जो बनाया है ये गलती है, कहाँ गलती है, तो देखो ये सब तुम्हारा पॉजिटिव है, नहीं वाला नहीं है, समवन समबडी एवरीवन एवरीबॉडी एनीवन एनीबॉडी डॉक्टर, ये सब तुमको क्या है पॉजिटिव है, लेकिन नो वन निगेटिव होता है, नो वन का मतलब कोई नहीं होता है, कोई नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब निगेटिव, तो ये निगेटिव है, तो कल अगर निगेटिव वर्ड आ जाए तो नॉट लगा देंगे, तो नो वन निगेटिव है कि नहीं, तो नो वन निगेटिव है तो नो बडी भी निगेटिव होगा, दोनों एक जैसा है, नो वन और नो बडी दोनों का हिंदी होता है कोई नहीं, समवन और समबडी दोनों का हिंदी होता है कोई, एवरीवन एवरीबॉडी दोनों का हिंदी होता है हर कोई, एनीवन एनीबॉडी दोनों का हिंदी होता है कोई भी, उसमें नहीं नहीं बोले थे, लेकिन नो वन और नो बडी में क्या होता है कोई नहीं, उसके लिए क्या करता है, तो वो पॉइंट आउट लिखना पड़ेगा ठीक, नोट लिख लो नोट, कहीं छापो नोट, यहां छापे सब नोट को छापो,
नोटे पे तो दुनिया चलता है, अब ये नोट नहीं दिखाएगा तो कैसे चलेगा तुमको? ठीक, आ जाओ। लेकिन वो नोट नहीं, ये दूसरा नोट है। नो वन या नो बडी, नो वन या नो बडी, नो वन या नो बडी के बदले में पैसिव में नॉट लगाते हैं। नो वन या नो बडी, नो वन या नो बडी के बदले में पैसिव में, के बदले में पैसिव में नॉट लगाते हैं। समझा गया ना? तो ये कहां गलती है समझ में आ गया? द डोर वाज ओपन होगा, अच्छा नॉट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद है ना, कहां पे? यहां पे ना। द डोर वाज नॉट ओपन, चलो मीठा है वो तो गेजिंग कर दी है। टाइप चेंज करें, ही वाज टीचिंग मी, बनाओ वहां बनाओ, ही वाज टीचिंग मी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम समय रहता है वॉइस, अच्छे से पढ़ लेगा तो आगे अपना शक्ल तो नहीं दिखा सकता है, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा मजबूरी में। नहीं बना बनाए, देखो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये पूरा ना वर्ब हो गया, तो मेन तुमको ये मेन वर्ब में देखना है, क्या मा है? पी फॉर है। ये क्या है तुमको? ऑब्जेक्ट को उठा के लाओ, मैं क्या हो जाएगा? मी उधर से इधर जाएगा तो यहाँ देख लो इसमें है कहीं, यहाँ मी इधर से इधर आएगा तो आए, ले आए। अब क्या है कि वर्ब का चौथा है ना, तो देखो वो भी लिख ले इसमें चौथा, यहाँ चौथा रहेगा तो क्या आ जाता है? तो हम बोले थे इजमा के साथ हो तो इजमा के साथ होगा, वाजवेर के साथ हो तो वाजवेर के साथ होगा, तो किसके साथ है ये? कोई दिक्कत नहीं, तो आई वाजे ना होगा। हाँ अब क्या लगाते हैं? बींग ना, बींग कर दो आवाज बींग। अब हर का क्या मा? जब ये दवाई लगा दिए तो तीसरा, तीसरा क्या होगा? टीचिंग का तीसरा टॉट, उसके बाद ही उधर जाएगा ना किसके साथ? तो बाय ही की बाय हिम, खत्म। एक दे उस टाइप का जो लिखा भी बन जाएगा, सी वॉज वैक्सिंग हिम, इस टाइप का देते हैं। सी वॉज वैक्सिंग, वैक्सिंग है वैक्स में तंग करना होता, सर खाना नहीं, कभी कोई बच्चा आ जाएगा सर खान लगता है, नहीं नहीं हम तो जेबे करबे ससुराल, चाहे जेब हो जाए, आजकल वैक्स करना। क्या दिक्कत ना, किसको उठाना है? हिम को, क्या होगा? ही वाज है तो वाज है ना, वाज वैक्सिंग मतलब बी फोर मतलब बींग, बींग वैक्स का तीसरा ना वैक्स्ड, ई नहीं लगता है। अब सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाय हर, हो गया खत्म, कुछ नहीं है वॉइस, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था दो दिन शुरू में कैसे कैसे बनाते हैं, बनाने आ गया तो बस हो गया, उसके बाद बस ये टैबलेट लगाओ जिंदा रहो दुनिया में। एक बार देखते हैं, ही वॉज वॉचिंग देम, ही वॉज
वॉचिंग देम। ऊपर मिला ना, बन गया क्या बनेगा बोलो जरा, डैम है ना, डैम आएगा तो क्या हो जाएगा, दे। अच्छा ही के साथ वाज है लेकिन दे के साथ वाज लगता है क्या, ध्यान रखना पड़ेगा। तो दे के साथ क्या हो जाएगा, तो ये मत सोचना कि यहाँ वाज था यहाँ वेयर कैसे आ गया, भाई ये सब्जेक्ट का खेला होता है ठीक ना। दे वेयर वाचिंग है तो बींग हो जाएगा ना, वाचिंग है तो बींग वाच हो जाएगा। तीसरा कर दो, बींग करो और तीसरा करो ठीक। उसके बाद बाय मिला लो, सही जा रहा है। एक बार अरे भोजे में बैठा है, आलू को भी चल रहा है, एक में आग चला दिया। हाँ डॉक्टर बात क्या हुआ, मिठाई चल रहा दे अब ये देखो सक्रवरिया मिलेगा, रुक ना रे। द डॉक्टर वाज एग्जामिन द पेशेंट्स, एस लगा ले पेशेंट्स है। दोबारा देखते हैं, दे वर किलिंग एनिमल्स फॉर नथिंग। इस कॉन्सेप्ट को आउट फील की लिखेगा तो ऐसे लिख सकता है जैसे इज एम आर प्लस वी फोर हो क्या बनेगा, दवाई क्या बनेगा, इज एम आर प्लस बींग प्लस वी थ्री, यही ना। अगर यही इज एम आर की जगह क्या आ जाए, वाज या वेयर प्लस वी फोर, तो दवाई क्या बनेगा, देखो दवाई खुद से बना सकता है, यही तो फायदा है बींग, हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने का। प्लस बहुत आसान है, बन गया। क्या चीज वैक्सिंग कहाँ, एग्जामिनिंग है, इसमें किलिंग है, एनिमल्स है फॉर नथिंग है, गंभीर है, कॉमेडी है। सुसाइड किया है उस साल ये है ना, उसके बाद भाई ससुराल सालियों होगी तुम्हारी ने, पूछना क्या है उसमें। ये बातें ऐसा कहा देता है कि हमको भी एग्जाम्पल खींच के लाना पड़ता है, क्या समझ में आ रहा है, बाप रे बाप। इसको हंसने के लिए हम लोग भाई अब अलग से एग्जांपल आए इसके लिए हंसने के लिए, फिर से वाह एक प्यार वाह।
हंसाई ना क्या नहीं मुझे अच्छा बेटा अब ये ऐसे हंसो ना तुम क्या दिक्कत है ऐसे हंसो देखो सब हंस रहा था तुम भी हंस जाओ मतलब गजब हाल है हंसने के लिए उसको एग्जांपल चाहिए देख लो ये कॉमेडी क्लास में बैठी है ना पढ़ने के लिए थोड़े आई है तो हंसने के लिए आई है वाह चार सर का तुमको टेस्ट लेंगे ना भाई इसका तो सारा हंसनी बदल जाएगा रोनी में घबरा मत उसका मेरे पास रोने का एग्जांपल भी है कहाँ बन गया बताएं दोनों है इसमें क्या हो गया ऑब्जेक्ट द पेशेंट क्वेश्चन खत्म इसमें क्या हो गया ऑब्जेक्ट एनिमल्स क्वेश्चन खत्म ऑब्जेक्ट मिल गया क्वेश्चन खत्म कभी कभी तो क्या करेगा ऑप्शन में उधर से ऑब्जेक्ट खींचू करने लाएगा यही लिख देगा डॉक्टर से स्टार्ट कर देगा गधा समझता है तुमको गधा है हाँ अगर उसको ठीक लगा दिया तो फिर भारत में तुमसे बड़का गधा नहीं हो सकता तो वहीं से स्टार्ट कर देंगे सेम होगा ही नहीं जैसे ऊपर वाला है होगा नहीं भाई इसमें अगर छोटा सा बात याद है तो नहीं तो बात ही खत्म है आ जाओ द पेशेंट्स होगा ना इसमें वाज था इसमें क्या होगा काहे होगा सर इसमें एस लगल है मतलब एक से ज्यादा का बात हो रहा है इसमें एस नहीं लगल है चलो उसके बाद एग्जामिंग है ना तो बीइंग एग्जामिंड हो जाएगा ऐसे आईएनजी हट जाएगा और ईडी घुस जाएगा उसके बाद डॉक्टर लिख के छोड़ दे जांच पड़ताल डॉक्टर है ना करेगा कि तुम भी कर देगा इलाज कौन करेगा हम भी करते हैं दिया है करे ये कर अब ये भाग जाएगा तुम अब ये ज्यादा सटका नहीं कम में सकता था मारते है आजा एनिमल्स को उठाए एनिमल्स उसके बाद वेयर होगा हाँ काहे वेयर होगा एस एक से ज्यादा है इसमें काहे वेयर था दे सर एक से ज्यादा ही होता है पहले से ही एनिमल्स वेयर बीइंग ना किलिंग का तीसरा किल्ड उसके अलावा कुछ हो ये अदर वर्ड्स फॉर नथिंग और लास्ट में छापेंगे कथी ये ऑब्जेक्ट तो भाई दे हमको मन नहीं कर रहा है हमको नहीं मन कर रहा है छापने का हम छोड़ दिए तुमको माने तो तुमरे पर छोड़ दिए माने तो लिखो नहीं माने तो छोड़ दो चलो अगला दे बनाओ I have written the letter. जल्दी से वॉइस पढ़ के खत्म करेगा मेरा काम कैसे ही पूरा ग्रामर हम अपलोड कर देंगे एग्जाम होने से पहले उसके बाद हम भी अपना सुध जाएंगे और तुम लोग भी अपना जाके सुध जाना ठीक ओ जा तुम एग्जाम देगा ओ, हम बोलिएगा थे बात हम अपना सोएंगे तुम मेहनत करेगा दिन रात एक करेगा थोड़ा खूब पढ़ो एग्जाम का टाइम आ रहा है ना भूल जाओ घड़ी नहीं देखना है रे घड़ी का देखो ना अपना काम है अपना चलते रहता है बस तुम भी अपना काम करते रहो इतना पढ़ो कि पेन खत्म हो जाए कॉपी फाड़ दो पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ो हाँ हाँ तब ये नहीं नहीं तब ये करना पड़ेगा तुमको रे बना चलो देखिए इसमें तुमको ऑब्जेक्ट क्या है द लेटर तो देख लेना लेटर है कि लेटर से ये भी ध्यान रखना है हाँ इन्हीं की ऐसा भूल जाना तुम ठीक से आ जाओ अच्छा हेड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है एक वो रहेगा फिर भी हेड एक से ज्यादा रहेगा फिर भी हेड है तो कोई दिक्कत नहीं तो हेड आएगा ही आ जाओ उसके बाद हेड है ना हेड का दवाई खोजो तो इसमें या देखो जो हैज का है जो हैव का है वही किसका भी है खत्म बातें खत्म क्या लगता है बिन ना तो हैड वाला क्वेश्चन देखे तो ऑप्शन कैसा वाला खोजेंगे बिन वाला
मान लो अगर तीन गो ऑप्शन में बीन लिखले नहीं है तो कहियो वो आंसर होगा, बस सीधे आंसर दिख गया। बनाना वैसे ही है तुक्का से, ये पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया तुमको, बनाने ही आ गया। कल हो सकता तुमको पढ़ाना पड़ जाए, तो पढ़िए ऐसे कि जरूरत पड़ना पड़ने पे पढ़ा सके, इन्हीं का अपना नहीं आता है। द लेटर हैड बीन रिटन, तीसरा लिखा लेकिन नहीं लिखा है, खत्म। तीसरा पढ़े से लिखा रहता है, हैज हैव और हैड क्या मान लेता है तीसरा, हमको चाहिए भी क्या मां, तो देखेगा ना छाप लेंगे ये सोचेंगे, नहीं नहीं यहाँ छपा छपा बोल याद रखना। चलो भाई भाई क्या करेंगे भाई, आए कर दे, हाँ लगता है कुछ सीखा है, यानी कि जोश में कर देना। आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, एक बार दागे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि बस हम छापते हैं वही तुम छाप लेता है, ऐसा ही कोई करता होगा कि हम जो आंसर छापते हैं वही छाप लेता होगा, रुकता होगा कि सर तो दो मिनट बाद छापे करेंगे ना। आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, अब लिख दिया ना, ऑब्जेक्ट में लिखेगा तो बनाएगा कैसे भाई, बन में नहीं करेगा। टाइम कितना हो गया सर, दो मिनट भाग गया, फर्स्ट एक बार दागे Somebody had stolen my umbrella. Had stolen umbrella. Somebody had stolen my umbrella. You got that? Again and again. नीचे मिटा दे, एक बार रख दे। चलो हम हैड कंप्लीटेड द वर्क, क्या चीज, दे हैड वॉर्न्ड अस अगेन एंड अगेन, एक बार दाग दे, द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम, द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग him for years. Thank you.
होमवर्क भी ले लो, होमवर्क है आरके सिन्हा का जो ग्रामर का बुक है उसका तुमको एक्सरसाइज 55 से 58 तक बन जाएगा। बनाओ मत बनाओ, दोनों चलेंगे, एक्सरसाइज ही बन जाएगा, एग्जाम्पल ही बन जाएगा। जल्दी में बनाना है तो एग्जाम्पल ही करके बनाओ, प्रैक्टिस करो, और टाइम है एक्सरसाइजों खींच जाओ। बनाने आ गया तो बैंक बनेगा। बस ये टैबलेट तुम्हारे पास होना चाहिए। बोले हो गया, देखें देखो द पुलिस यहां आ जाएगा ना, द पुलिस हेड है ना, देखो हेड का क्या कॉन्सेप्ट है, विन लगता है ना, विन लगता है कि हेड विन हो जाता है, मतलब हेड हो जाएगा हेड विन, शॉर्टकट ट्रिक है ना। रियल में क्या हो, देखो रियल में क्या है यहाँ पे हेड, यहाँ पे हेड क्या हो जाएगा, हेड छोड़ देता है क्या, ऐसा मत समझना कि हेड को छोड़ देंगे, सर उधर बोले विन ही लगेगा खाली, नहीं नहीं, विन जो आता है ये तीनों के साथ ही आएगा, हेड है तो हेड विन, हेड है तो हैव या हैव बीन, सॉरी हैव या हैज बीन, ठीक ना, हाँ इन्हें छोड़ देना। द पुलिस हैड बीन क्या हो जाएगा, इन तीसरा है ना, ये छपेगा खाली, छपा छपोवल वाला कॉन्सेप्ट, आई लिखे कि नहीं लिखे, बाय मी लिख दो, कहे नहीं लिखते, नहीं लिखते वो कहेगा सब छोड़ दिए, छाप तो तुम्हारा कहे कौन तुम्हारा दिल तोड़ेगा भाई, अम्ब्रेला है कि मेरा अम्ब्रेला है, ए माई के अम्ब्रेला है, माई कहीं नहीं, मम्मी सुनेगी चल भी आएगी अच्छा माई अम्ब्रेला हैड ना, बिन ना, एस्टोलन ना, समोनो तपुर एस्टो, इसमें क्या ऑब्जेक्ट, अगेन एंड अगेन असे ऑब्जेक्ट, ध्यान से नुकाइल है, खींचो इसकी की तो अगैन एंड अगैन, उसका मुस्काने बता रहा है बेचारी का कि वो अगैन एंड अगैन को बना दिया ऑब्जेक्ट, देखो तेरे वही किया ना, देखा आ जाओ, अगैन एंड अगैन होगा कि अस होगा, ठीक से कोई दिक्कत नहीं है, ठेस लगेगा तो बुद्धि बढ़ाओ, बढ़ा चलो मर गया उसका, आ जाओ नहीं नहीं ठेस लगे तो ईटा लेकर फोड़ देना कपार, हाँ तब क्या, तब ना ठेस लगेगा, अब तुमको रास्ते में जा ठेस लग ही नहीं रहा है तुमको, कितना बुद्धि बढ़ेगा, इन्हीं के रास्ता पर जाना ठेस लगाना जबरदस्ती तो टांग वहां टूट जाएगा, तो उससे बुद्धि नहीं बढ़ता है, इससे बुद्धि बढ़ेगा। आ जाओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी हैड होगा कि नहीं, बीन उसके बाद छपेगा खाली रे, उसके बाद ए अदर वर्ड अगेन एंड अगेन ना, उसके बाद दे होगा कि नहीं होगा, मौन देखा तो मन है, मन करे तो लगाओ, नहीं मन कर नहीं लगा, ससुराल रहता है, मन करे तो जाओ, नहीं मन करता मत जाओ, के रोक लिए है, ठीक है, कन्या अगर फोर्स कर दी तो जाना ही पड़ेगा, और नहीं कर रही है तो चलो नहीं हेरे में रहो। आ जाओ द वर्क हो जाएगा जी, उठा के लाए द वर्क हैड है ना, कॉन्सेप्ट बताओ हैड के साथ क्या होगा, बस यही तो याद रखना, क्लासे भी याद करवा देंगे, कल तुम मन ला के बैठो, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीटेड, हाँ देखना इन्हें के एग्जाम में कंप्लीट लिख दे तो कंप्यूटर वी वन हो गया ना, क्या चाहिए वी टू ना, ठीक से आ जाओ, भाई राम करे कि नहीं करे, हो गया एक बार है, इसमें क्या ऑब्जेक्ट देखिए महिला के कहीं कथी ऑब्जेक्ट है, ओकरा इन्हें कि ईयर से बना देगी ऑब्जेक्ट, आ जाओ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, थीम, ये क्या हो जाएगा तुमको अदर वर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट, ठीक से अब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड समझ में आ रहा है ना, कितना भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा तो गर्दा छूट जाएगा छोड़ा देगा, ठीक से इन्हें छूट जाए, ठीक से आ जाओ हिम को उठा के लाओ, क्या करेंगे ही, उसके बाद हैड है ना, बिन होगा ना, कुछ नहीं है रे, अरे बिन तो लिख ले सर, अच्छा हैड के साथ क्या होना चाहिए,
तो हैड बीन तो पहले से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अब वर्ब का क्या मान है? ओ, अब चौथा के बदले में क्या होता है? बीइंग लिखा ले क्या? इसका मतलब वो सर इसको करिए, ये जो हैड था इसका बीन पहले से करके दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो वी फोर है इसका करके दिया है, फ्लाइंग का करके नहीं दिया है, तो मतलब कीजिए। तो फ्लाइंग का क्या करना पड़ेगा? बीइंग। अब फ्लो का ना तीसरा तो क्या हो जाएगा? ईडी। 90% का था डी या ईडी, झंझट खत्म, फ्लड। उसके बाद अदर वर्ड छपेगा ना, क्या हो जाएगा? फॉर इयर्स। उसके बाद पुलिस लिखेगी, छोड़ दे तो पुलिस स्टॉप दाग दो, खत्म। वाइस नहीं खत्म, आज का क्लास खत्म, इन्हें कि एकदम जाके पार्टी उटी कर लेना, वाइस नहीं खत्म, वाइस चल भी करेगा, अभी तीन चार क्लास और चलेगा तो पूरा वाइस खींच देंगे हम, छोड़ छाड़ के नहीं चल रहे, पूरा वाइस खत्म। काफी है, होमवर्क समझा? अगर ये बुक नहीं हो, कोई भी बुक हो घर में, ग्रामर चैप्टर खोलना, सॉरी चैप्टर कहाँ खोलना, बुक खोलना, उसमें वॉइस एक्टिव पैसिव कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं घुसी आई ले होगा, बीसीए क्वेश्चन हो बना लेना, और मुटका बुक हो उसको भी खोलना, नहीं तो चौरातरा के लाओ कहीं से, क्या दिक्कत? ठीक, ये बुक सामने रहता ना, इसमें ये से यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा आराम से, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा संभावना नहीं है, काफी है।